हमारी न्यू वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू ट्रेन जर्नी न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए। तो दुरंतो एक्सप्रेस है जो कि 12:40 का टाइम था, लेकिन वो 8 घंटे लेट हो चुकी है। और मेरे बगल में खड़ा है तेजस एक्सप्रेस जो कि मुंबई की तरफ जाता है। तो फिलहाल आज हम जो ट्रेन जर्नी करने वाले हैं न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस के लिए, तो आप देख सकते हो स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है न्यू दिल्ली स्टेशन पर। अभी हमको रात के 7:40 पे यहाँ से जो ट्रेन है वो निकलेगा भुवनेश्वर के लिए। तो देखते रहे ना किस तरीके की ट्रेन जर्नी होता है। हम आ रहे थे कोच में करने वाले हैं जर्नी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो वेट करते करते काफी टाइम हो चुका, कम से कम 9 घंटे हमने स्टेशन पर बिताए, क्योंकि जो दुरंतो एक्सप्रेस है वो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। करीबन 7:40 लेट है दुरंतो एक्सप्रेस, ऐसा पहली बार हुआ है पता नहीं किस तरीके से। और अब हमारा जो सफर है वो काफी लॉन्ग होने वाला है। जो हम अगले दिन हम जो सुबह 11:40 पे पहुंचने वाले थे वो अब फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं 7 बजे 8 बजे, अभी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि जो ट्रेन है वो रुकते जाएगा। तो टाइम देख लीजिए, 1:07 हो रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं कितनी देर में ये जो ट्रेन है वो आता है। ज़्यादा लेट हो चुका है, जो ट्रेन सुबह 12:40 पहुँचने की वो अब फिलहाल 10:30 बजे पहुँचेगा। तो देखिए अभी मैं ऊपर लेटा हुआ हूँ सीट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद हो चुका है। अब वो कम से कम 13:40 लेट हो चुकी है, क्योंकि जो गाया जंक्शन है, गाया से आंध्रा जो जंक्शन है स्टॉपेज नेक्स्ट, वहाँ से उसने रूट चेंज कर लिया, इसी कारण से 3 घंटे और लेट हो चुकी है। मतलब 3 से 14 घंटे लेट हो चुकी है। अभी फिलहाल पता नहीं है, अभी तो काम के 6 बज रहे हैं, अभी आंध्रा तक नहीं पहुँची है गाड़ी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से लेट हुई है। और जो नाइट का खाना है वो डिनर देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जो आज जो कल नाइट वाला खाना था वो कल ही दे दिया था, इसी कारण से एक जो खाना है हमारा लंच डिनर वो कम हो चुका है। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। चाय नाश्ता भी नहीं आया है, 6 बज चुके हैं। जो होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। ट्रेन है बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। फिलहाल मैं देख सकते हो बाथरूम में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूँ, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या कुछ खाना मिलता है या नहीं मिलता, सब कुछ दिखाऊँगा, ब्लॉग में बने रहना। फिलहाल हम रुके पड़े हैं भारतीय स्टेशन के पास, तो चलिए दिखाता हूँ तो बंगाल में पड़ता है। अभी तरफ गाड़ी है, वो गाड़ी चल रही है, फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आज मैं बता रहा हूँ रात से अब 9 बजे हैं करीबन। अभी जो आंध्रा जंक्शन है वो खुल भी क्यों नहीं आया है, अभी तो घूमने से काफ़ी टाइम है। बैड एक्सपीरियंस रहा इस बार, पहली बार हमने जर्नी की बहुत बेकार जर्नी की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर, अभी बज रहे हैं दिन के 7, तो आप देख लीजिए अभी जो ट्रेन है हमारी
फिलहाल आके यहाँ पे पहुँच चुकी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे काफ़ी घंटों के बाद, 18 घंटे लेट थी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जर्नी का ट्रेन का बहुत बेकार रहा। तो फिलहाल टिकट लेने के लिए गए हैं, अगर हमको जाना है यूपी जंक्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग आ जाएगा, जो मैं अपना एक्स ट्रेवल था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ट्रेन जर्नी दुरंत एक्सप्रेस का। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरी बहुत मस्त मस्त व्लॉग आने वाले। तो आज के लिए कुछ इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।